दोस्तों इस समय अभिषेक भाई जो हैं गाड़ी निकाल रहे हैं। साहब की पूजा जो है इसलिए की जाती है कि तो ये है सेली गांव की माता बगलामुखी जी का मंदिर। तो मक्की होती है उसे हम छल्ली बोलते हैं। ये जो है बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए हो पछे ही होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों जैसा कि आज शायरी है, तो शायरी के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को माता बगलामुखी के दर्शन करा रहा हूँ। आप लोग माता बगलामुखी जी के दर्शन कर लीजिए और माता बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करके पुण्य के भागीदार बने। जय माता बगलामुखी। दोस्तों इस समय मैं माता बगलामुखी जी को शायर की द्रुप दे रहा हूँ। तो आप लोग भी माता बगलामुखी जी के दर्शन कर लीजिए। जय माता बगलामुखी। तो दोस्तों इस समय मैं देव बूढ़ा बनोगी को द्रुप चढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी देव बूढ़ा बनोगी जी के दर्शन कर लीजिए और देव बूढ़ा बनोगी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय देव बूढ़ा बनोगी। तो दोस्तों ये आज जो है शायर है, तो शायर को पूजा जाता है। तो अभी शायर की जो है हम घर में पूजा कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मामा जी, शायर पूजने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है? मतलब ये जो शायर होती है किस किस चीज की बनी होती है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। धान, द्रीड़े, मक्की और खीरा और नींबू या खट्टा और कूरी और कोठा, ये सब कुछ ही होता है। तो जैसा कि मामा ने जो जो चीजें बताई है वो सारी चीजें चाहिए होती है और फिर इन चीजों की पूजा की जाती है। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि अभी हम पूजा करेंगे। दोस्तों अभी पापा जी बताएंगे कि आज पूजा क्यों की जाती है। ये शायर की पूजा जो है इसलिए की जाती है कि बरसात के मौसम में हम लोगों के ऊपर जो देवताओं की मेहरबानी से हम लोग सुरक्षित रहते हैं और बरसात का मौसम जो है लगभग खत्म हो जाता है और इसके बाद बरसात का इतना भय नहीं रहता है और एक खुशहाली के लिए जो है आज ये पूजन जो है शायर का किया जाता है। और इसके बाद जो है फसल की कटाई इत्यादि और सर्दी का मौसम भी इसके बाद जो है आना आरंभ हो जाता है। तो इन सभी चीजों के लिए और सुख शांति और समृद्धि के लिए जो है ये आज सादे में पूजा की जाती है। तो इस समय जो है पूजा वगैरह की जा रही है पंडित अमरजीत शर्मा के द्वारा, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी शायर को पूजा जा रहा है। पापा जी जो हैं शायर की पूजा कर चुके हैं, तो अभी मैं भी कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूं। इस समय मम्मा जी और पापा जी शायर की द्रुप दे रहे हैं, बुआ जी को आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक विधि है और ऐसे शायर देते हैं और फिर बड़ों के पांव छूते हैं और फिर आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों इस समय अभिषेक भाई जो हैं गाड़ी निकाल रहे हैं और आज जो है मम्मा जी अपने मायके जा रहे हैं। तो मम्मा जी आज जो हैं जोगिंदर नगर जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस समय हैं अभिषेक भाई। तो अभिषेक भाई आपको मेरी वीडियो में कम ही दिखते हैं है? तो अभिषेक भाई क्योंकि सुबह निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। तो दोस्तों इस समय मंदिर की सराय के छत को जो है साफ किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। पंडित खेमरा शर्मा जी, पंडित नमन जी, पंडित अमरजीत शर्मा जी और यहाँ पे कन्हैया ताऊ जी आए हुए हैं और ये लोग जो है इस समय सराय के छत को साफ कर रहे हैं और इस छत पे भी अब जो है डैम्पिंग कराई जाएगी ताकि जो है पानी इसके ऊपर ना रुक पाए। आप लोग देख सकते हैं मंदिर के जो छत है उसको भी साफ किया गया है। तो मंदिर के छत में भी पूरा जो है डैम्पिंग का काम किया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इतनी धूप में ये लोग किस तरह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है सेली गांव की माता बगलामुखी जी का मंदिर। दोस्तों जब भी जो है घर में कोई काम होता है या फंक्शन होता है तो हमारे डॉक्टर खेमराज शर्मा जी जो हैं वो समय पे घर में पहुंच जाते हैं और हर एक काम में जो है अपना हाथ बटाते हैं और हर एक काम में जो है शामिल होते हैं। तो ये हैं मेरे चाचा जी खेमराज शर्मा जी, जिनकी पोस्टिंग आजकल थाची में चल रही है। तो छुट्टी है आज, जिस कारण जो है शायरी के उपलक्ष्य में आज घर आए हैं। तो सभी लोग जो हैं ईमानदारी के साथ जो हैं माता के साईं के छत को साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पोपटी हो गया है। तो दोस्तों मैंने 1 बजे के आसपास गाय को घास डालना था तो मैं भूल गया था, तो अभी 4 बज रहे हैं तो अभी मैं घास डालने के लिए आया हूँ। तो चलो अब जल्दी से घास डालते हैं और फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों अभी इस छत को जो है पानी से धोया जा रहा है ताकि इस पे जो मिट्टी बैठी हुई है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और शायद कल तक इसमें डैम प्रूफ का पहला कोट हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखो पीछे जो है मेरे चाचा जी भी आ चुके हैं, तो अभी इस छत को धोते हैं और जल्दी से इस काम को फिनिश करते हैं। फाइनली दोस्तों हमने छत जो है वो अच्छे तरीके से साफ कर दिया है और इसको वॉश भी कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो कल जो है पेंटर आएगा प्रेम, और प्रेम अंकल जो है इसको डैम प्रूफ करना जो है कल से स्टार्ट कर देंगे। फाइनली दोस्तों आज हम छल्ली जो है निकाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, मतलब जो मक्की होती है उसे हम छल्ली बोलते हैं। तो उसका जो खोटने का कार्यक्रम है, हमारी भाषा में खोटना बोलते हैं, मतलब निकालने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। पापा जी ने जो है निकाल दी है मक्की, तो अभी इसमें रहती है पापा जी थोड़ी सी नीचे नहीं है, तो हम लोग कर लेते हैं काम। तो दोस्तों हमारी घास की हेल भी हो गई, तो हमने मक्की भी निकाल ली। तो अभी मैं जो मक्की निकाली हुई है इसको उठा के चलता हूँ घर की तरफ। तो अभी गौशाला तक पहले चलते हैं, गाय का गोबर वगैरह भी उठाना है। पापा जी निकल चुके हैं तो हम भी चलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसको जो है उठाया जा रहा है जेसीबी के द्वारा, और यहाँ पे ट्रक भी आ चुका है, तो अभी जो है रोड को क्लियर किया जा रहा है। तो ये लैंडस्लाइड जो है ये पहले का ही था, मैं मजाक कर रहा था आप लोगों से। तो रोड यहाँ कंजस्टेड है, तो उसलिए जो है जेसीबी वाले भाई जो हैं इसको रोड को ओपन करने के लिए जो है यहाँ पे ये जो मटेरियल है मलबा जिसे बोलते हैं इसे उठाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस समय मैं और नर्मन शर्मा जो हैं गोखरा के लिए जा रहे हैं, तो हमें गोखरा से मिठाई लानी है, तो अभी चलते हैं गोखरा और मिठाई लेके आते हैं। तो इस समय हम डिनर कर रहे हैं, तो डिनर में मैंने आज ली है आलू पालक की सब्जी और एक दूध मिक्स चाय का गिलास, और ये ली है मैंने जिनको हम बोलते हैं बटूरू, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम इनको बटूरू बोलते हैं। तो ये तली हुई रोटियां मैंने ले ली हैं, तो अभी जल्दी से करते हैं डिनर। दोस्तों इस समय हम देव बाडूवाड़ा जी की जाग की वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी देव बाडूवाड़ा जी के दर्शन कर लीजिए और माता नवदुर्गा के दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों रात बहुत हो चुकी है और अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो
आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।